दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नेहा डिज़ाइंस और मैं आपकी दोस्त नेहा अलवी। आज के इस वीडियो में हम आपके लेके आए हैं एक समर ड्रेस। उसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया हुआ है, तो ये हमारा चेक वाला फैब्रिक है और हमने प्लेन फैब्रिक लिया है। तो चलिए इसकी कटिंग हम शुरू करते हैं। लेंथ हमने इसकी रखी है 19.5 इंच और विड है हमारी इसकी 20 इंच। और ये हमारा डबल फोल्ड फैब्रिक है। अब इसको करेंगे हम एक बार फोर्थ फोल्ड करेंगे। अब लेंगे हम अपने तीरे का माप। तीरे का माप लेंगे हम 4.2 इंच पर। और आर्म सोल रखेंगे 4.2 इंच। और इसके बाद लेंगे हम इसकी लेंथ। लेंथ हमें रखनी है इसकी 18 इंच। अब माप लेंगे हम अपने चेस्ट का। तो तीरा हमने रखा था 4.2 इंच, यहाँ से भी हम 4.2 इंच पर मार्क करेंगे। और इसके बाद चेस्ट हम लेंगे 6.2 इंच पर। और नीचे से हम इसको मार्क करेंगे 10 इंच पर। हमारी इसकी कटिंग हो गई है। अब हम कट करेंगे अपने इसका नेक। शोल्डर का हम माप लेंगे यहाँ पे 2.2 इंच पर। और नेक की हम लेंथ रखेंगे 3 इंच पर। अब अपने बैक साइड का नेक कट करेंगे। नेक की हम लेंथ रखेंगे यहाँ से 2.5 इंच पर। हमारी ड्रेस की कटिंग हो गई है। इसके बाद हम कट करेंगे इसके लिए फ्रिल। ये जो हमने अपना मैचिंग का फैब्रिक लिया है, इसकी हम फ्रिल कट करेंगे। ड्रेस की हमारी कटिंग हो गई है। अब इसमें ऐड करेंगे हम फ्रिल। तो फ्रिल के लिए हमने फैब्रिक लिया है। इसका मेजरमेंट है हमारा 9.5 इंच हमारी इसकी विड है और लेंथ है 26 इंच। और ये हमारा डबल फोल्ड है फैब्रिक, तो इसकी हम कटिंग करेंगे। ये हमारी फ्रिल कट हो गई है। इसके बाद देखें इसको हम रख देंगे। और जो हमारा फैब्रिक बचा है, इससे हम कट करेंगे अपनी पाइपिंग। और यदि हमें पाइपिंग कट करनी है, अपने नेक के लिए पाइपिंग कट कर लेंगे। तो हमारी इसकी कटिंग हो चुकी है। तो चलिए इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। कटिंग हम कर चुके हैं। कटिंग के बाद हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो चलिए अपने पहले बनाएंगे फ्रंट साइड का नेक। तो उसके लिए हमने रेप की पट्टी कट की हुई है। पाइपिंग की मैचिंग की हमने पट्टी ली है। रॉन्ग साइड से पट्टी लेंगे और अपनी पट्टी को हम फोल्ड कर लेंगे। कट्स लगाने के बाद इसको हम पलटेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे।
फ्रंट साइड का नेक हमारा बनकर तैयार है और सेम तरीके से अपने बैक साइड का नेक भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। दोनों नेक हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं, अब इसको हम शोल्डर सिलेंगे। पहले शोल्डर सिलने के बाद जिस तरीके से मैंने नेक पे पाइपिंग लगाई है, सेम तरीके से अपने दोनों आर्म्स होल पे पाइपिंग करेंगे। आर्म्स होल के लिए भी हमने रेप की पट्टी कट की हुई है। कट्स लगाने के बाद इसको भी हम पलटेंगे और इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे। सेम तरीके से दूसरे आर्म्स होल पे हम पाइपिंग कर लेंगे। दोनों आर्म्स होल पे हमने पाइपिंग कर ली है, इसके बाद हम लगाएंगे अपनी फिटिंग की सिलाई। सिलाई लगाने के बाद इसको हम नीचे से फोल्ड करेंगे। इसको फोल्ड करने के बाद अब जो हमने फ्रिल के लिए पट्टी ली थी इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद एक सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे। फिर सिलाई लगाने के बाद इसको हम पलट लेंगे। अपनी पट्टी को हमने पलट लिया है और इसके ऊपर आप चाहे तो अच्छे से आयरन भी कर सकते हैं जिससे कि हमारा पूरा सेट हो जाए। अब इसको हम लेंगे और इसके यहाँ पर देखिए नीचे हम इसमें फ्रिल लगाएंगे। दोस्तों हमारे ड्रेस बनकर तैयार है। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और उसमें फ्रिल लगाने के साथ साथ देखिए हमने छोटी सी बॉच में लगाई है, वो हम कैसे बनाते हैं ये अपने पहले बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुके हैं, आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और बैक साइड से हमारा कुछ इस तरीके से लगेगा। तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें जिससे कि आप हमारी आने वाली किसी भी नई वीडियो को मिस ना कर सकें। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।